परिसर से प्रधानमंत्री की वो तस्वीर जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, अब वो शुभ घड़ी आ गई है। मेरे पीछे की आवाज आप सुन रहे होंगे क्योंकि लोग काम करते करते के साथ इन तस्वीरों को देखकर बहुत उत्साहित, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज अपनी आस्था को छुपाने का दिन नहीं है, आज खुलकर ये बताने का दिन है कि हाँ, राम हमारे भारतवर्ष के अस्तित्व है और इस बात में कोई गुरेज नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम आप सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो शुभ घड़ी आप देखिए कि साधु संत भी आज प्रधानमंत्री को लेकर कितने गौरवान्वित है। सभी लोग वहां पे खड़े हो चुके हैं, लोग तस्वीर ले रहे हैं, इन तस्वीरों को कैद करना चाहते हैं और आवाज चारों तरफ से यही जय श्री राम। विधिवत पूजा अर्चना शुभ घड़ी बेहद करीब है और इस शुभ घड़ी का इंतजार वाकई मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है उनकी चर्चा आज इस घड़ी में भी होनी चाहिए, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है। हालांकि अदालतों की लंबी सुनवाई के बाद ये घड़ी आ पाई है, लेकिन इसके अलावा जिन लोगों का संघर्ष है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में छत्र है और वो चुन्नी है जो कि रामलला को अर्पित की जाएगी, उन्हें चढ़ाई जाएगी। ये तस्वीर बिल्कुल वैसी ही प्रतीत हो रही है जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या पहुंचे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वैसा ही क्षण आ गया हो। चलत विमान कोलाहल होई, श्री रघुवीर कहत सब कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी छत्र लेकर रामलला मंदिर परिसर में और तमाम जो गणमान्य वहां पर मौजूद हैं, उनका स्वागत में हाथ हिलाना और एक सेल्फी लेने को आतुर होना साफ तौर पर यह दिखाता है कि राम राज्य आ गया है। जाहिर तौर पर त्रेता युग की बात करते रहे हैं पूरे देशवासी और आज जिस तरीके से अयोध्या नगरी सजी है, जिस तरीके से राम मंदिर परिसर सजाया गया है, जिस तरीके से तमाम राज्यों में मंदिरों को सजाया गया है, तमाम सोसाइटी सजाई गई हैं, हर मन ये कह रहा है कि बार बार कहूं राम बारंबारा चक्र सुदर्शन है रखवारा, यानी कि वो राम ही रखवारे हैं और उन्हीं राम के स्वागत में आज अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उनके स्वागत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर परिसर में मौजूदगी आप देख रहे हैं, हाथों में वो छत्र है जो कि रामलला को चढ़ाया जाएगा। आज प्रतीकात्मक यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 15 यजमानों के साथ मौजूद रहेंगे जो कि पूजन अर्चन में शामिल होंगे। एक 11 दिनों के कठिन अनुष्ठान के बाद आखिरकार वो दिन आया है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद कमलों द्वारा उनके आंखों में काजल लगाया जाएगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो मंदिर परिसर से पीएम मोदी की, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और उसके पहले हम वो तस्वीर भी दिखा रहे थे जब प्रधान, फिलहाल ये तस्वीर गौर कीजिए जिस तरीके से भाव भंगिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं, एक लंबा संघर्ष रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो हम जिक्र कर ही रहे थे कि 2017 के बाद से लगभग 67 बार ऐसा हो चुका है जबकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहां पर मौजूद रहे हैं। भाव भंगियाएं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, शनय शनय धीरे धीरे मंदिर परिसर की ओर, गर्भगृह में मौजूदगी होगी उनकी और अभिजीत मोर की हम बात कर रहे थे 12 बजे से आधे घंटे पहले और 12 बजे से आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो 84 सेकंड्स बहुत अहम रहेंगे जब वो जो सबके मन को लुभा देने वाली मूर्ति थी भगवान श्री राम की, उसको काजल लगाया जाएगा और उन 84 सेकंड्स में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। टीवी स्क्रीन पर इस देश के हर एक नागरिक की निगाहें हैं इस लिहाज से क्योंकि वो इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि आज भारत का कौन ऐसा नागरिक है जो अयोध्या नगरी में नहीं रहना चाहता है, जिसकी सनातन में आस्था है, जिसकी प्रभु श्री राम में आस्था है, वो सभी रहना चाहते हैं। लेकिन यकीनन जो जहां है वो इस बात से गौरवान्वित है, इस बात से उत्साहित है कि आज प्रभु श्री राम आ रहे हैं। इनके लिए जो संघर्ष हुआ है उस सबको तो भूला नहीं जा सकता है, लेकिन आज इस शुभ घड़ी के मौके पर हम नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसी बातें हो जिससे मन में टीस हो, मन में मलाल हो, इसलिए इस शुभ घड़ी का इंतजार। और इस वक्त आप देख रहे हैं पीएम जो अपने हाथ में छत्र लेकर पहुंचे थे, वो जो पुजारी हैं उन्हें सौंप दिया। दृश्य है, अद्भुत दृश्य, बिल्कुल वैसा ही कल्पना की जा सकती है जब अयोध्या में वो दो अवसर रहे होंगे जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर छत्र रखा जा रहा होगा, जब उनका राज्याभिषेक हो रहा होगा, और दूसरा ये जब वो वनवास से 14 वर्ष के बाद लौटे। और आज अयोध्या लगभग उसी तरह से आतुर है, व्याकुल है और प्रभु के लिए, उस दर्शन के लिए यहाँ पर कतारबद्ध, अगर आप अयोध्या में कहीं भी दृश्य डालेंगे इस वक्त कतारबद्ध लोग खड़े हैं, बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, सुदूर देश से आए हुए हैं और प्रभु की
उस लीला का, उस मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन आज इस वेला में जो अभिजीत मुहूर्त अपसरा दक्षिणा नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त है, उस पे प्रभु का यह मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का उपक्रम होता हुआ प्रधानमंत्री वो तमाम जो उपक्रम है उसको करते हुए, उससे पूर्व जो भी स्वच्छता के जो तमाम सारे उपक्रम हैं उनको अमली जामा पहना रहे हैं वो, उसके बाद प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा का वो जो कार्यक्रम है वो विधिवत प्रारंभ होगा। मृक्षरा नक्षत्र है जो कि बात हो रही थी 5:12:29 के बाद मृक्षरा नक्षत्र में अभिजीत सूर्य जो है अभिजीत मुहूर्त में तमाम गणनाएं की गई हैं और उसके बाद काशी से निकाला गया वो मुहूर्त जिसमें अनुष्ठान की यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। प्रधानमंत्री स्वयं बैठे हैं आसन पर, आसन पूजन के बाद वो तमाम अभिमंत्र से उनको सिंचित करते हुए और वो जो ये सामने जो छत्र आप देख रहे हैं इससे वो तमाम प्रक्रियाएं यहां पर इस वक्त होती हुई